हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसको स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए? स्क्वायर वेव। अभी ये सिंपल सा सर्किट हमें स्क्वायर वेव कैसे देगा वो देखना है। तो अभी ये लगाया हुआ है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक लगाया मतलब क्या होगा? ये चला गया सैचुरेटेड रीजन में, तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज मिलेंगे, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट। क्यों दो ही वैल्यू मिलेंगे? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में इसकी ओपैम की गेन होती है ना, वो इनफिनाइट होती है आइडियली। ये वीडियो में हम सब देख चुके हैं वर्चुअल शॉर्ट और इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक के। ओके, ये सब हम बेसिक्स देख चुके हैं। तो अभी ये तो पता चला कि ये प्लस वी सेट और माइनस वी सेट में जंप होगा, बट कैसे होगा? तो अब सर्किट को ध्यान से देखो। मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मतलब V2 पे क्या लगाया है? एक कैपेसिटर लगाया है जो पहले अनचार्ज्ड है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है इनिशियली। ओके, तो V2 पे पहले वोल्टेज क्या है? जीरो। V2 क्या है अभी? जीरो। अभी V1 को देखो, V1 में एक रेजिस्टर नेटवर्क लगाया हुआ है। ओके, तो अभी कुछ भी इनपुट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आउटपुट हमें मिल रहा है, उससे कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज। मतलब ऑफसेट वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी वोल्टेज इनपुट में मत दो, फिर भी लीकेज कुछ तो मिलेगा आउटपुट में, उसे बोलते हैं VOOT, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, तो अभी V1 पे मेरा वो आ रहा है VO, अभी जो VOOT है वो वैल्यू मेरी अब V1 पे आ रही है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी V2 पे क्या है, V1 पे क्या है वो पता चला। अभी हमारा वो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, V1 माइनस V2। हमें सबको पता है कि ओपैम क्या करता है, डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो अभी V1 माइनस V2, V2 तो जीरो है, मतलब ये सम क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। तो इनिशियली हमें आउटपुट मिलेगा VSAT प्लस VSAT। ओके, ये पता चला कि ये इनिशियली प्लस VSAT क्यों है, क्लियर। अब देखो, अभी यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल क्या है? VSAT। अब ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ओके, अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, अब क्या होगा? जब जब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी मतलब वो ये थ्रेशोल्ड को, ये थ्रेशोल्ड क्या है हमारा? V1 है। क्यों V1 है? क्योंकि अगर मेरा ये देखो, ये डिफरेंस, ये V1 से V2 बढ़ गया तो ये पूरा डिफरेंस निगेटिव में जाएगा ना, इसलिए ये अगर V2 मतलब VC, VC मतलब V2 है, VC क्या है? कैपेसिटर का वोल्टेज मतलब V2, सिंपल। V2 बढ़ रहा है, जब मेरा V2 बढ़ जाएगा V1 से, अब यहां पे V1 की वैल्यू क्या है? मेरा V1 सिंपली VDR लगाओ। V1 क्या है? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू अवेलेबल वोल्टेज इज वॉट? VSAT। ये वैल्यू से मेरा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, वो अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ये डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा और मेरा आउटपुट चला जाएगा माइनस VSAT में। ओके, तो ये इस पॉइंट में मेरा आउटपुट गया माइनस VSAT पे। अब यहाँ पे अवेलेबल वोल्टेज क्या है? माइनस VSAT। सो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्ज और ये ऐसे निगेटिव में चला जाएगा। ओके, एक टाइम पे ये इतना निगेटिव हो जाएगा, ये एक टाइम पे ये इतना निगेटिव हो जाएगा कि ये V1 के वैल्यू को भी क्रॉस कर देगा। अब VO अब क्या है? माइनस VSAT। सो अब मेरी V1 की वैल्यू बदल जाएगी, तो मेरी V1 की नई वैल्यू है R1 प्लस R2 इंटू न्यू अवेलेबल वैल्यू इज माइनस VSAT। सो नाउ V1 इज निगेटिव और ये जो VC है वो भी निगेटिव बन रहा है। तो अब क्या होगा? मेरा V1 बड़ा हो जाएगा V2 से। V2 ही क्या है? VC है, ये मत भूलना। ओके, जब कैपेसिटर ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, इस पॉइंट से आगे चले जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? मेरा V1 बड़ा होगा, तो मेरी ये V1 बड़ी बड़े होने से मेरी ये सम, मेरा ये डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? प्लस VSAT। तो ये इस पॉइंट पे
मेरा आउटपुट माइनस वी स्टार से फिर से प्लस वी स्टार में चला जाएगा। अभी फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है प्लस वी स्टार, सो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग वगैरह वगैरह, तो वही साइकिल रिपीट होगा और ये थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग प्लस वी स्टार माइनस वी स्टार ऐसे जंप करता रहेगा आउटपुट। सिंपल ऐसे तरीके से हमें स्क्वायर वेव आउटपुट पे मिलेगी।